कर लच्छे ना मैं तो कोई दिक्कत ना हो भी आया बोलूँगा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। मेरा नाम रणवीर जंगहरा है, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर 1132 कर्मचारी सफाई कर्मचारी हैं, 72 सुपरवाइजर हैं और हमारे साथी ड्राइवर हैं और उनके लेबर हैं। इन कर्मचारी साथियों को जब से ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई है तब से बराबर निरंतर कार्य करते आ रहे हैं। यहाँ पे कितने भी ठेकेदार आए हैं किसी भी साथी को कभी नहीं हटाया गया है और हमारा 20 वर्षों से लगातार शोषण होता आ रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आज तक स्वास्थ्य विभाग नहीं बनाया है और ना ही यहाँ पर कोई वैकेंसियाँ निकाली है। अब हमारे कर्मचारी साथियों के शोषण की आवाज़ को देखते हुए हमने ये ठाना है कि हमें प्राधिकरण सीधे अपने माध्यम से रखे, यहाँ पर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा जो है वो सिर्फ किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी खेती में कार्य कराने के लिए, ऐसे कार्यों में ठेकेदारी प्रथा होती है और जहाँ पर निरंतर आवश्यक कार्य की सूची में जो कार्य आते हैं वहाँ पर ठेकेदारी प्रथा रखना एक असंवैधानिक कार्य है। इसलिए हमें यहाँ ठेकेदारी प्रथा नहीं चाहिए। जिस तरीक़ा से नोएडा प्राधिकरण है और प्रदेश में जितने भी प्राधिकरण नगर निगम हैं सब में स्थायी कर्मचारी हैं, परमानेंट कर्मचारी हैं। इस ग्रेटर नोएडा शहर को बसे हुए करीबन 23 वर्ष हो चुके हैं, इस प्राधिकरण ने आज तक भी एक भी कर्मचारी के लिए वैकेंसी नहीं निकाली और आज तक किसी को भी परमानेंट नहीं किया है। आप अपनी समस्याओं को लेकर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है उनकी तरफ से, आपको क्या कहना है अधिकारियों का? ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अब करीबन 29 महीने हो चुके हैं, तब से हमारी मूलभूत सुविधाओं से भी हम वंचित हैं और 3 वर्ष से हमारी सैलरी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि प्रत्येक 6 महीना में या साल में जो महंगाई भत्ता होता है वो तो लग के मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर 3 साल से कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। यहाँ तक कि कोरोना जैसी महामारी में हमारे साथियों ने, सुपरवाइजर, ड्राइवर, कर्मचारियों ने सब ने तन मन धन से कार्य किया है, जबकि किसी विभाग को नहीं चलने दिया गया है। सरकार ने सबकी छुट्टी रखी है, सब कोरोना में रहे हैं, लेकिन हमारे साथियों ने अपनी जान पर खेलकर अपने शहर को बचाने के लिए अपने